नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार। मैं हूं आपके साथ उषा कश्यप। इस समय देश और दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद घातक है और सबसे ज्यादा ये घात भारत को पहुंचा रही है। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार टूट रहा है। दिल्ली यूपी समेत कई राज्य कोरोना से ग्रस्त हैं। अगर बात मैं राजधानी दिल्ली की करूं तो यहां पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 300 ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो वहीं अगर यूपी की बात करूं तो यूपी में हालात इतने भयावह हैं कि सड़कों पर लाशें जलाई जा रही हैं, शमशान घाट में टोकन मिल रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार के CM यानी कि मैं कहूँ यूपी के कर्ता धर्ता, यूपी के महाराज कह रहे हैं कि सब ठीक है, ऑक्सीजन पर्याप्त है, हॉस्पिटलों में भी कोई कमी नहीं है। लेकिन जो सड़कों पर ये जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं, आखिर इनकी सच्चाई क्या है? आप ये जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जलती लाशें, चीखती आवाजें, इनकी सच्चाई क्या है? क्या कभी योगी आदित्यनाथ इन सवालों के जवाब के लिए आगे आएंगे? तो अभी हम आपको एक लेटर दिखा रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस समय है। ये लेटर भदोही से विधायक दीनानाथ भास्कर ने लिखा है। ये लेटर उन्होंने CM योगी आदित्यनाथ को लिखा है और लाल बहादुर मौर्य, इनकी मौत के संदर्भ में ये लेटर लिखा गया है। दरअसल जब लाल बहादुर मौर्य, जो कि जिला महामंत्री थे, उनके साथ किस तरीके का अस्पताल में दुर्व्यवहार किया गया, इस पर ये लेटर लिखा गया है। इस लेटर में लिखा है कि जब मैं उनके घर सांत्वना देने पहुंचा तो उनके बच्चों ने मुझसे कहा कि ना ही अस्पताल में उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया गया उनके बार बार कहने पर, और ना ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जरा सोचिए, बीजेपी नेता का यूपी में ये हाल है तो आम आवाम का क्या हाल होगा? डॉक्टर उनसे बार बार कहते रहे कि आपका इलाज तो योगी आदित्यनाथ ही करेंगे, आपका इलाज तो शासन प्रशासन ही करेंगे, आप तो विधायक हैं, अब आपका इलाज तो योगी ही करेंगे। इस तरीके से एक नेता को तड़पता हुआ अस्पताल में छोड़ दिया गया, ना ही उसको ICU बेड मुहैया कराया गया, ना ही उसको इंजेक्शन मुहैया कराया गया। तो ज़रा सोचिए, जिस राज्य में सत्ताधारी नेताओं के ये हाल हैं, उस राज्य में आम आवाम का क्या हाल होगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये मेरी जिम्मेदारी है या आपकी जिम्मेदारी है या फिर ये सरकार की जिम्मेदारी है? तो आपको मैं दूसरा मामला बताती हूँ, कौशल किशोर का, जो एक बीजेपी नेता है। कौशल किशोर ने थोड़े दिन पहले, जब कौशल किशोर के भाई की मृत्यु हुई, तो थोड़े दिन पहले कौशल किशोर ने बीजेपी सरकार को खुली चुनौती दे डाली कि अगर उन्होंने जो व्यवस्थाएं हैं लखनऊ की, जो व्यवस्थाएं हैं यूपी की, वो जल्द से जल्द अच्छी नहीं करवाई तो वो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, बीजेपी नेता के भाई की मौत कोरोना वायरस की वजह से, जिन्हें समय से इलाज नहीं मिल पाया। ये मैं उन नेताओं की अभी तक आपको बात गिना रही हूँ जो सच में, जो बीजेपी सरकार में सत्ताधारी हैं, वो अपने परिजनों का इलाज नहीं करवा पा रहे, वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे। जब वो अपना अपने परिजनों का नहीं करवा पा रहे तो वो आम आवाम का क्या ही करवाएंगे? तो अब आप ये जौनपुर की तस्वीर देखिए अपनी स्क्रीन पर। एक वृद्ध, ये जौनपुर के मडिहाओं की तस्वीर है, एक वृद्ध अपनी बीवी को लिए, किस तरीके से साइकिल से घिसड़ाता हुआ ले जा रहा है। दरअसल इस औरत की मृत्यु हो चुकी है और ये इनको गांव वालों ने गांव में चलाने नहीं दिया। उसके बाद ये जो वृद्ध है वो अपनी मृत बीवी को लिए दर दर भटकता रहा। तो दूसरी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर लखनऊ की देख रहे हैं, आप लखनऊ के शमशान घाट का ये हाल देख सकते हैं, किस तरीके से लाइनें लग रही हैं, एक के बाद एक लाशें अंदर आ रही हैं और लोगों को टोकन दिए जा रहे हैं। तो वही एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, लखनऊ में हालात, लखनऊ, कानपुर और पूरे उत्तर प्रदेश में हालात कोरोना की वजह से इतने ज़्यादा भयावह हैं कि देखने से देखा नहीं जाता आखिर उन पर बोला क्या जाए, आखिर उन पर लिखा क्या जाए। जब भी हाथ लिखते हैं तो दिल एकदम तड़प उठता है। आप ये देखिए, पूर्व CM अखिलेश यादव ने द लल्लन टॉप की एक वीडियो का छोटा सा क्लिप अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें एक परिजन रोते रोते, चिल्लाते चिल्लाते, चीखते चीखते कह रहा है कि आप तो कुछ करेंगे नहीं। सबसे पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए, चेहरा खोल के दिखा रहे कैसे देखेंगे, मगर आप कोरोना के मारे नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, कोरोना नहीं, वैसे भी नहीं, हमको तो प्रशासन आवे उसको हम खोल, हम इसको पहन के ऐसे खड़े हो जाएंगे, लगे कोरोना कितना लगता है, मगर उस, अरे यार बेटा, फिर भाई साहब आप हर दो बार बोल रहे हो, उनके सामने ना बोलो। अरे ये पेपर में छापे, वो छपेगा, न्यूज में कुछ नहीं होगा, आप लोग करेंगे ही नहीं,
आप मेरी इतनी गालियां जितनी मैं बोल रहा हूँ छाप दीजिए, भगवान जानता है मैं इतनी दुआ दूंगा, मगर आप लोग सिर्फ मोदी और योगी के अलावा कुछ नहीं छापेंगे, सिर्फ खाम का लिए मातम खुल के बोल रहे हैं, ड्रामा करते हैं आप लोग, पत्रकार भी बिका हुआ है, चाहे अमर उजाला चाहे देश कोई भी ले लो, सिर्फ योगी और मोदी और कोरोना में इतने आंकड़े, और किसी का आप दिखाइए, हम कहते मेरी आज कल मैं पेपर पढ़ूंगा, आ जाए अपना एड्रेस दे दो, आप अपना मुझे नंबर दीजिए, हाँ बिल्कुल लीजिए, आपको जरूर भेज दो, अभी मत दीजिए कैमरे पे, और ऑफ हो जाएगा तब दीजिए, भैया जवान लड़का मेरा गया है, हम भी मर जाए हमको तो चाह रहे हैं, मीडिया वाले सब बिके हुए, सब बिके हैं टाइम से, आप भले ना बिके हो, दैनिक जागरण सब बिका, पेपर सुबह से शाम तक।